कोरोना वायरस की वजह से लगभग पूरी दुनिया मानो की थम सी गई है। लोग अपने अपने घरों में रहकर इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इससे भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई है, स्पेशली हमारे एनवायरनमेंट के लिए। पूरी दुनिया में शोधकर्ताओं द्वारा ऐसा पाया जा रहा है कि दुनिया में लोगों के घर पर रहने से पॉल्यूशन लेवल्स में भारी कमी आई है। जैसे कि न्यूयॉर्क शहर में कार्बन मोनोक्साइड गैस, जो कि आमतौर पर गाड़ियों से निकलती है, उसकी मात्रा करीब 50% तक कम हुई है। और तो और चाइना में, जहां पर पिछले काफ़ी महीनों से पूरा देश अपने अपने घरों में है, वहां तो पॉल्यूशन लास्ट 10 साल के मुकाबले सबसे कम हो गया है। सुनकर अच्छा लगा। और सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, वेनिस जो कि इटली की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट सिटी है, वहाँ की नहरें यानी कि कैनल्स इतनी साफ हो चुकी है जितनी कि पिछले 60 सालों में भी नहीं हुई। और तो और साफ पानी होने की वजह से वहाँ मछलियाँ और हंस तक वापस आ चुके हैं, जो कि सालों तक लोगों ने वहाँ की नहरों में नहीं देखा। इटली के कैग्लियारी शहर के पोर्ट्स पर सालों बाद डॉल्फिन भी दिखी। जहां हम अपने अपने घरों में इस मुश्किल आपदा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उसी वक्त हमारी धरती सालों के पॉल्यूशन लेवल से खुद को स्वस्थ करने की कोशिश कर रही है।